हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम इन माय किचन। स्वागत है आप सबका कायनात किचन में। आज की रेसिपी है चिकन कोरमा। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, एकदम मज़ेदार बनाएंगे, और वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कायनात किचन की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल आइकन है उसे फ्री नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्सअप दें। कढ़ाई रख देंगे गैस पर। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, हाफ कप। कोरमा है तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। अब हम तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। एक टुकड़ा दालचीनी का, दो हरी इलायची, एक काली इलायची, साथ में डालेंगे 6 से 7 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, और कुछ टुकड़े हम डालेंगे इसमें जावित्री के। इन्हें अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छे से मिल जाए तेल में। और साथ में डाल दूंगी मैं यहाँ पर 1 तेज़पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट। यहाँ पर मैं 1 से 1.5 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक की पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से हल्की आंच पर हम इसमें भूनेंगे। आंच को हमें हल्का ही रखना है वरना ये जल सकता है। इसे चलाते हुए अच्छे से हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जिंजर गार्लिक की पेस्ट अच्छे से भुन गई है, आंच को हमें हल्का ही रखना है। अब बारी है इसमें चिकन डालने की। यहाँ पर मैं 700 से 800 ग्राम के लगभग चिकन ले रही हूँ। चिकन में विद बोन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम इस जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ और मसालों के साथ भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आंच को हम मीडियम टू लो सेट रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है जब तक इस चिकन का कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता या फिर ये अच्छे से नहीं भून जाता। ये देखिए, इस तरह से चलाते हुए भूनना है हमें इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन अच्छे से ऑयल में भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। कभी कभी चिकन को भुनने में ज़्यादा भी टाइम लग जाता है अगर वो फ्रीज़र से निकाला गया हो तो, क्योंकि उस समय उसमें पानी और मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में मैं यहाँ 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच तीखी लाल मिर्च ले रही हूँ, और साथ में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और इसमें डालेंगे हम सूखा धनिया जो 2 बड़े चम्मच है, 1 चम्मच हमारा छोटा गरम मसाला है, और नमक स्वाद अनुसार। अब इन मसालों को हम अच्छे से तेल में मिक्स कर देंगे ताकि ये चिकन पर अच्छे से कोट हो जाए और इसे अच्छा सा कलर दें। ये देखिए, इस तरह से हम पूरा इसको चिकन पर अच्छे से कोट कर देंगे ताकि अच्छे से चिकन पर चिपक जाए और फ्राई हो जाए अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से चिकन पर कोट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही। फ्रेश दही हमें यूज़ करना है, खट्टी दही नहीं यूज़ करना है हमें। 1 कप दही मैं ले रही हूँ यहाँ पर। हाफ कप मैं अभी डालकर भूनूंगी, हाफ कप बाद में। ऐसा करने से दही को हमें तेल में भूनने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये अच्छे से भुन भी जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। आंच को यहाँ पर हम मीडियम टू लो ही सेट रखेंगे, तेज़ आंच पे हम इसे नहीं भूनेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसे ऑयल में मिक्स कर देंगे चलाते हुए साइड से, और अब इसे भुनने देंगे। इसे भुनने में लगभग हमें 2 से 3 मिनट लगेगा। ये फ्रेंड्स, आधा दही अच्छे से भुन गया है, बाकी का दही भी मैं डाल दूंगी। अगर आपको ऊपर ऑयल सा दिखे तो समझ लीजिए दही आपका अच्छे से भुन गया है, अच्छे से ऑयल में मिक्स हो गया है। अब इस दही को भी हम अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, दही अच्छे से ऑयल में मिल गया है, अच्छे से फ्राई हो गया है, पूरा ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे काजू की पेस्ट। काजू को गर्म पानी में भिगो के आप एक फाइन पेस्ट बना लें। हाफ कप मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे काजू की पेस्ट। अगर आपके पास काजू की पेस्ट नहीं है या आपके पास काजू नहीं है तो आप इसमें मलाई या फिर आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, डालते ही ग्रेवी का टेक्सचर चेंज हो गया है, कितनी रिच लग रही है ग्रेवी। अच्छे से चला देंगे इसे हम। काजू की पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे फ्राइड अनियन। अनियन को आप हाथ से मसल कर डालें, हल्का सा मैश कर लें उसे हाथ से, ग्राइंडर में ना पीसें। ग्राइंडर में पीसने से इसका टेक्सचर भी ख़राब होगा, साथ में ग्रेवी का भी। बस इसे हाथों से हल्का सा मसल दें और इसे ग्रेवी में डाल दें। इसे मैंने पहले ही फ्राई करके रखा हुआ था, हाफ कप है ये। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर मैं 1 कप के लगभग पानी डाल रही हूँ। आप ग्रेवी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके चिकन पे कि उसे गलने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए ही बॉईल करूँगी। अच्छे से चला देंगे और आंच को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, तेज़ आँच पर हम इसे नहीं पकाना है। मैंने इसे कुक कर लिया है अच्छे से। ये देखिए, कोरमा का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है।
सर्व करने के लिए रेडी है। अभी गैस ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, चिकन कोरमा रेडी है। लग रहा है ना एकदम शादियों वाला, दावतों वाला और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल कोरमा। और इसे बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। लीजिए फ्रेंड्स, चिकन कोरमा हमारा रेडी है। कैसा लगा आपको और रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी। और अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।